उस बेचारे ने उस जगह में था, उसको प्रॉब्लम दिखाई दिया और वो प्रॉब्लम सबके सामने खड़ा किया, बोला इसको समाधान करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचिए आपको सर्दी होता है? होता है। सर्दी होती है? सर्दी सर्दी। अभी एक सर्दी बीमारी नहीं है, वो जो सर्दी है अभी आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा ठीक है इसमें अवेलेबल कुछ खा लो, नाक से पानी बहना बंद हो गया तो क्या सर्दी ठीक हो गया? नहीं। सर्दी को दबाइए फिर क्या होगा? वो तो कफ अंदर है, आप कुछ दिन में देखना वो सर्दी कन्वर्ट होगा धीरे धीरे खांसी में। एक समस्या को आप काटने गए थे, समाधान करने के लिए गए थे, और दूसरा समस्या, और एलोपैथी में आप जाके डिक्शनरी उल्टाना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलोपैथी, मीनिंग ऑफ एलोपैथी, एक बीमारी को दबाओ और दूसरा निकालो, दूसरा नहीं कई सारे निकालो। ऐसा करना कोई पेड़ चले जाना, कोई आम का टहनी काट के बोला ये आम का समस्या है इसको काटो, और देखना कुछ दिन के बाद वहां पर और क्या होगा, 100 टहनी और निकल के आए होंगे। अगर एक एक समस्या के पीछे पड़ोगे समाधान करने के लिए, तो याद रखना आप समाधान नहीं कर रहे हो बल्कि वहां पर और 1000 समस्या खड़ा कर रहे हो। आपको लगा कि मैं तो ठीक करके आ गया, समाधान तो हो गया, और कुछ दिन में आके आप जाके देखते हो कि कई सारी समस्या है। एक आप बीड़ी पीते हो ना बंगाल में, बीड़ी पीते ना बंगाल में, ऑल ओवर इंडिया, हाँ ठीक है, तो वो बीड़ी का एक गच आता है, आप कोई देखे बीड़ी का गच, केंदु गच, बीड़ी का गच देखे हम लोग का यहाँ बहुत है, मेरे पास 6-7 लाख गच, मैं काटने देता नहीं, बीड़ी बनाने देता नहीं। वो अभी इस फरवरी महीने में कटाई चालू होगा, अगर एक गच काटते हैं ना तो 50 गच निकलते। आपको लगा कि समाधान हो गया, साफ हो गया, और देखो 50 निकला एक गज। यानी आप अगर छोटा सा कोई टहनी काट के कोई समस्या रूपक डाली को काटने के लिए जाएंगे तो उसमें से और 100 समस्या खड़ा हो जाएगा। आज आप डायरेक्ट गोहत्या बंद करके देखिए फिर क्या होता है देखना। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बीच में ये 2-3 साल पहले बहुत बड़ा रैली निकला सारा भारत में, वो विश्व गो ग्राम यात्रा, गो मंगल यात्रा, और सारे बीजेपी विश्व हिंदू परिषद बड़ा खुश, हम लोग ताड़ के उखाड़ दिया है, महान काम कर दिया है, अभी गोहत्या बंद होने वाला है। परिणाम क्या हो जाते हैं? उस दौरान सबसे ज्यादा गोहत्या और सबसे ज्यादा गोमांस का जो एरिया में, उस एरिया का जो डाटा रखेंगे, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स में रखा हूं उस साल क्या हुआ था। अभी देखिए बीजेपी सरकार के समय में वो बड़े बड़े हाँक रहे हैं, डिंग हाँक रहे हैं, हम लोग इतना परसेंट को हत्या बंद कर दिया, इतना कत्ल खाने बंद कर दिया, बंगाल में, वेस्ट में, ये बांग्लादेश बॉर्डर में नहीं जा रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन टेक्निकल समस्या अगर आप जाके प्रैक्टिकली देखेंगे गांव में, जहां से गाय तस्करी होकर आ रहे हैं, जो हमारे उड़ीसा में अभी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उड़ीसा में चल रहा है, क्योंकि बाकी एरिया में गाय घट गए, उड़ीसा में सबसे ज्यादा गाय है आज, तो सभी गौ हत्यारों का पूरा मतलब फोकस आज उड़ीसा में। तो आज का डेट में बीजेपी सरकार के बाद 10 गुना ज्यादा गाय सप्लाई हुई, और ऐसा सप्लाई 3-4 दिन पहले का कहानी है कि घर से चोरी करके उठा के लेंगे, अगर नहीं बेच रहा है तो बेचो वरना चोरी करके लेंगे, उसके आज सब सपोर्ट नहीं। क्या हो गया? समस्या और बढ़ गई, और ऐसा समस्या उस 1-2-5 साल पहले यहां पर आके सुन रहा था बंगाल के बॉर्डर में, क्या बोलते हैं टाकार वो बैंक के परिस्थिति ऐसा है कि टंका तो बैंक में रख देंगे और अपना गाय को तो कैंप में रख देंगे, आर्मी कैंप में रख देंगे, तो बो रखो कुथाई, अपना बीबी को कहां रखेंगे? तो सरकार बोला ठीक है बुलेट बम दे, बुलेट बम दे रहे, आप बुलेट में बांग्लादेश आएंगे तो रबर वाला बुलेट मार, देखो समाधान कैसे है क्या? नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट समस्या का जड़? क्योंकि किसी को जड़ जल्दी दिखाई और जड़ के बारे में कोई बातचीत नहीं करती। आप किसी के सामने खड़े हो जाओ चालू ऐसा समस्या है, देखो देख लाइफ इज कंप्लेनिंग, वो नेचर उसका कंप्लेन का है, कब भी चालू हो जाएगा क्या करोगे वहां गया था ऐसा ऐसा
याद कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, चालू। लेकिन वो समस्या का जड़ के बारे में कोई नहीं बोलता कि ये जो जितने समस्या हमें आंख में दिखाई दे रहा है इसका जड़ कहां है, क्या है जड़। और जब तक जड़ को नाश नहीं करेंगे तब तक ये समस्या रूपक पेड़ कभी भी नाश नहीं होगा। शरीर स्वास्थ्य एक ऐसे ही एक पेड़ है जिसका नाम स्वास्थ्य पेड़ नेचुरोपैथी में आता है। आपको कोई बीमारी हुआ सर्दी खांसी दमा एलोपैथी का दवाई खाते हैं, उसमें दिखाया ये है कि पूर्ण स्वास्थ्य जब तक नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा कोई बीमारी हुआ दवाई खाके दबा दिए तो दूसरा बीमारी में कन्वर्ट होगा, फिर उसको दवा खाके दबाएंगे और दूसरा बीमारी में कन्वर्ट होगा। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा मतलब चिंता का विषय हो गया है जो इंजेक्शन दिया जा रहा है एंटीबायोटिक, इतने सारे रेजिस्टेंट हो गए हैं तो देंगे क्या, तो स्टेरॉइड निकलने वाला है। स्टेरॉइड निकल गया और इतना सारा स्टेरॉइड निकला कि आगे क्या स्टेरॉइड देंगे उनके लिए चिंता में आ गया, एटॉमिक स्टेरॉइड के बाद चलने लग गया, मैंने आगे कोई रास्ता है नहीं। यानी अगर कल आपको सिंपल डिसेंट्री हो जाएगा और आपको टेबलेट दिया जाए खाने के लिए वो काम में नहीं देगा और आपके लिए लकड़ी रेडी करना पड़ेगा। ये देश का परिस्थिति ऐसा है। तो जड़ क्या है, कहां है जड़, अगर जब तक उसे नहीं ढूंढते हैं और उसे नहीं पाते हैं तब तक आप पूरे समाधान तक नहीं पहुंच। और जड़ किसी को दिखाई नहीं देता और 99% व्यक्ति जड़ के बारे में बात नहीं करते, किसी के पास भी बैठी जड़ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों, वही बोलेंगे जो उनको दिखाई दे रहा है। और एक बात और याद रखेगा, इस फोटो में अगर आपको बूढ़ी दिखाई दे दिया जवान लड़की दिखाई नहीं देगा, कोशिश करके थक जाइए, और एक बार अगर जवान लड़की दिखाई दिया फिर मुश्किल हो गया, बूढ़ी दिखा नहीं सकता। लेकिन जो अंतर प्रज्ञा वाला है इसमें तीनों को देख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है मैं दिखा नहीं सकता, तो बहुत प्रज्ञा को जगाना पड़ेगा कि उसे सही जड़ दिखाई दे और समाधान तक जाए। मेरा बात समझ में आ रहा है प्रभु? तो अगर आप सही में ये जो सिस्टम ऑफ एलोपैथी है, सिस्टम ऑफ हेल्थ है, सिस्टम ऑफ समस्या, जो भी समस्या है इस देश का, उसको समाधान करना चाहते हैं तो जड़ को ढूंढना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सिंपल सवाल। अभी बहुत आशा था बीजेपी वालों से, वाजपेयी के समस्या में समय में भी था, मोदी से तो इतना आशा था कि क्या नहीं कहा जाए, गोरक्षा हो जाएगा, दारू से हमारा देश पूरा बच जाएगा और ये वगैरह वगैरह हो जाएगा, और सबसे पहले कुछ वो नहीं हो किसान के जमीन पे रातों रात पानी आ जाए तो हमारे देश का जो आज हम गर्व और घमंड से कह सकें कि हम कृषि राष्ट्र भारत वर्ष के अंश हैं। आज किसान के खेत में पानी नहीं है लेकिन शहर में बाबू लोग बैठे एक स्विच मारेगा और एक बार टट्टी करेगा पोटी में 5 लीटर पानी जाता है, एक स्विच में 5 लीटर पानी हम बहा देते हैं, लेकिन किसान जो हमें खाना खिलाता है इधर से उसके पास 5 लीटर पानी नहीं है। इसीलिए आज ओडिशा का हालत, तो 200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, मतलब ऑफिशियली, और ऑफिशियली 2000 से पार हो गए। तो अब सोचिए मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते हुए और द कंप्लीट 80 साल का संघ का भयंकर साधना का आउटपुट मोदी, 75 साल साधना का वो आउटपुट वाजपेयी जैसे इस देश का राष्ट्र नेता होने के बावजूद अगर गोरक्षा संभव नहीं हुआ, किसान के खेत में पानी नहीं गया, गांव गांव में स्वास्थ्य नहीं पहुंचा, अंग्रेजों के समय में किसान आत्महत्या करते थे चलेगा, आज भी आत्महत्या किसान कर रहे हैं, और संख्या क्या पता है, पूरे अंग्रेज शासन 150-200 साल में जितने किसान नहीं मरे थे हमारे अंग्रेज कांग्रेस शासन में उसका रिकॉर्ड टूट गया, और हमारे अभी जो बीजेपी और ये बीजेडी हमारे सरकार चल रहे हैं वो एक ही साल में रिकॉर्ड तोड़ दिए परसेंटेज के हिसाब में। तो राजनीति से क्या आशा कर सकते कर सकते हैं? फिर आप बोलेंगे अगर राजनीति से आशा नहीं करेंगे तो राम बना के क्यों बैठे हो? इसलिए बैठे हैं क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो विवेकानंद बोल के गए, विवेकानंद एक समय में बोले थे मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग,
अगर हम लोग भी ऐसे एरू गेरू नथु खेरुओं को बिन बुलाए मेहमानों को एमएलए एमपी खड़ा कर देंगे और पार्लियामेंट में भेज देंगे, वो भी सत्ता के मदमस्त होके वो भी वही करेंगे। तो नेतृत्व का विकास करना पड़ेगा। आप एक बात सामान्य सोच के देखिए, कोई डॉक्टर बनेगा तो पढ़ाई है कि नहीं? 5 साल डॉक्टर पढ़ता है। इंजीनियर बनने के लिए 5 साल इंजीनियर है। आप आईएएस पढ़ना है तो। लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर बनेगा उसका कोई पढ़ाई नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है सोचिए। वो कल नेता भी करेगा क्या? एक दूसरा, नेतृत्व कोई बना नहीं सकता, नेतृत्व के लिए माहौल बनाना पड़ता है। सोचिए आज अगर आपको ऐसा कहा जाए कि किसी ऐसे आदमी को हम लोग एमएलए एमपी नहीं खड़ा करेंगे, 1000 बच्चे निर्माण करेंगे गोकुल गुरुकुल में, कामधेनु विश्वविद्यापीठ में। कैसे बच्चे निर्माण करेंगे? बचपन से उनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोडेड करके। कैसे बच्चे? शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, ऐसा बच्चे जो योग निष्ठ हो, उन बचपन से गौ भक्त हो, बचपन से राष्ट्र भक्त हो, कृष्ण कन्हैया जैसे गौ चलाने जाने वाला हो, गौ को जीवन से हृदयंगम किया हो, मिट्टी को जीवन से हृदयंगम किया हो, पढ़ा हो, नहीं किताबी पढ़ाई का बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा बच्चे 10 साल से 15 साल तक हमारे गुरुकुल में कामधेनु विश्वविद्यापीठ में अध्ययनरत हो। मैं 10-15 साल तो ज्यादा समय बोल रहा हूं, सीखने वाले तो उससे आगे सीख लेते हैं, पढ़ने वाले तो उससे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको हम निर्माण किए अपने हाथ में, संघ का 1 घंटा से नहीं, हमारे साथ रह के गाय को वो जिए, मैं क्या कह रहा हूं, गाय को पढ़े नहीं। देखिए योग सब्जेक्ट आया, हम लोग योग साधना करने के लिए जीवन दे दिए गुरु के चरण में रह के। पुछका बोलने से गुरु का बसता, डोडो के योग सीखने लगे, साधना किए, सालों ध्यान तपस्या में लगाए, नदी में ठंडा में जाके किए। अभी यूनिवर्सिटी में क्या आ गया, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन योगा, डिग्री इन योगा, चाटू के कागज को वो सर्टिफिकेट धारी योगी करेगा क्या? तो कल ऐसा नहीं हो कि गाय मेरी एजुकेशन में आ जाएगा, डिग्री डिप्लोमा इन काउ करेगा क्या कोई? तो क्या कह रहे, ऐसा बच्चे जो बचपन से बने हुए हों, और बताऊं जो एक एमपी एमएलए अपने 5 साल के कालखंड में जितना काम नहीं कर सकता है, एक गुरुकुल में अगर बच्चे हों उतना कार्य, उससे 1000 गुना ज्यादा कार्य कर रहे हैं। यानी हमारा समस्या का समाधान पहले से हो जाए। आप ऐसा कहोगे कि पावर देने के बाद समाधान करेंगे, ध्यान देना मेरा बात। आपको ऐसा कहा जाए भाई वो बीमार लग रहा है, योग योग नहीं करेंगे, आज आसन वासन नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप व्यायाम करेंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा या स्वास्थ्य मिलेगा तो व्यायाम करेंगे? व्यायाम करेंगे स्वास्थ्य, पक्का ऐसे ही है। मैं मेरा डायरेक्शन ये है, आप अगर एक गुरुकुल खुल जाए और गुरुकुल में बच्चे, आज जो हमारे बच्चे, आज गांव गांव तक हेल्थ सेंटर नहीं है, है क्या? नहीं है। अगर बच्चे बचपन से योग नेचुरोपैथी पंचकव्य एकुप्रेशर सिद्ध साधना ये वगैरह सीख लें और गांव गांव तक आ जाएं। देखिए हम लोग अभी तक जो 2700 गांव के ग्राम जागरण यात्रा का अनुभव से मैं ये कह रहा हूं, गए समझाए और रास्ते में जाने से बोलते हो देखो वो गाय वाले वो पंडा बाबू जा रहा है, बोलो वो गाय वाले वो आचार्य जी जा रहे हैं, वो गाय का बात करेगा, अभी खेती का गोबर का पागल आके बात करेगा। कुछ बोलते हैं अरे महाराज आइए बैठिए बैठिए, घर से गुड़ वगैरह दूध वगैरह ला के देते हैं, कुछ ऐसे। अगर हम पूरे गाँव में जाके गड़ जाए, झंडा गाड़ दें, ये प्रोजेक्ट अभी माइक्रो निकला दिमाग से। यानी क्या कि 100 गांव को एडॉप्शन विलेज के हिसाब में हम लोग ले रहे हैं अभी। यानी कंटिन्यू कॉन्टैक्ट उस गांव के साथ। आपको एक शब्द पता होगा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाम सुने हैं? ऐसे हर गांव में है।
अगर एसएचजी ग्रुप को पकड़ लें, जो हमारे माँ आज बोल रही थी कि महिलाओं को जोड़े, कैसे जोड़ेंगे बताओ, तो जुड़ने का तरीका यह है कि अगर हर गांव का एसएचजी ग्रुप को पकड़ें और वो गांव हमारा परमानेंट सेंटर बने। क्या बनेगा परमानेंट सेंटर? वो गुरुकुल के माध्यम से हमारे बच्चे करेंगे, यानी ग्राम में गुरुकुल चेतना केंद्र, वो गांव में हमारा हेल्थ सेंटर रहेगा। यानी वो गांव में जो कहीं गांव में पंचायती घर रहता है, तो पंचायती केंद्र में हमारे पंचगव्य औषधि अवेलेबल हो, प्राकृतिक चिकित्सा जड़ी बूटी औषधि अवेलेबल हो, और हमेशा वहां हम लोग चिकित्सा करना चालू करें। और वही गांव के लड़के, मेरे बाप मेरे मित्र, ध्यान देना, बड़ा इंपोर्टेंट बात करने जा रहा हूं, उसी गांव के एसएचजी ग्रुप महिलाओं को, लड़कों को, युवाओं को, युवाओं को बुलाए, जोड़े, भाई तू ज्यादा नहीं एक महीने का कोर्स कर ये नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर सीखने के लिए, गांव में जो रोगी हैं उनको ये दवाई देना, नहीं ठीक होगा तो भेज देना उल्लूपैथी के डॉक्टरों के पास, नर्सिंग होम में जाके नुचवा लेगा, क्या प्रॉब्लम होता है, नर्सिंग होम में जाके नुचवा ले, क्या प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्टर बैठे हैं, पेट काट के पैसा लेंगे आपका। तो एक सबसे पहला स्वास्थ्य गांव में पहुंचाएं और वो 100 गांव परमानेंट सेंटर हमारा हो, एक बिंदु ध्यान दें। दूसरा, गांव में स्वास्थ्य, और वो ऐसा नहीं कि जाके देके आ गए, वो परमानेंट सेंटर रहेगा। वो क्या क्या होगा उसमें भी बहुत सारा लंबा बात है, समय नहीं उधर नहीं जाऊं। दूसरा है, उसी गांव में उत्पाद भी हो अपना, प्रोडक्शन भी हो और ट्रीटमेंट भी हो, वही एसएचजी ग्रुप करे, तो वो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको उद्योग मिल गया, उनको रोजगार मिल गया, मार्केटिंग भी मिल गया। बोले बेचोगे कहां, आज तक तो सुदर्शन जी नहीं बेच पाए, तुम कहां से बेच लोगे, हमें नहीं बेचना। देखिए, अगर 100 गांव का टारगेट ओडिशा में हो गया, मैं 100 गांव में एसएचजी ग्रुप को, 100 महिला मंडल, 100 गांव का टारगेट ले लिया, इधर कलकत्ता में सुदर्शन जी 100 गांव टारगेट ले लिए, 100 गांव खड़ा हो गया, ओडिशा में 100 गांव, बिहार में 100 गांव, झारखंड में 100 गांव और महाराष्ट्र में 100 गांव, और 100 गांव का 100 महिला मंडल, यानी अगर 10-10 महिला मंडल तो 1000 महिलाओं का एक एक मंडल, उनका उत्पाद जो नहीं बना सकते वो हम खरीदेंगे, हमारे पास जो हो गया उनके पास चला गया, यानी पूरे भारतवर्ष को टच करते हैं सारे उत्पादों को, इधर से वहां तक ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर करने के लिए, तो उनको भी मार्केट मिल गया, बीच में ट्रांजैक्शन भी हो गया, उनको हाथ में काम भी मिल गया। लेकिन इसमें एक बहुत खतरा है, आज के डेट में कोई भी काम करना नहीं चाहता। अब सोचिए, धोबी वाला मशीन आ गया ना, अभी कुछ दिन में हमारे घर में धोबी मशीन खराब, तो हमारे घर में समस्या चालू, नया धोबी लाओ नहीं तो काम नहीं होगा। घर में ग्राइंडर है, पता है ग्राइंडर, अब वो घर में पत्थर है 200 साल पुराना, आदत नहीं है, करेगा कौन, फिर एक तो दूसरा लाओ पिसने वाला मशीन। तो मनुष्य आदत में, जो अंग्रेज लोग आदत से हमें मजबूर कर दिया, बर्बाद कर दिया है, तो एक बड़ा समस्या है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनका काम देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा, ये अकेले क्या खेती के, मैं कल दिखाऊंगा एक फोटो, यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है, 50,000 सपुरी गाछ लोग लगाए पाइनएप्पल, ये आपके सामने खड़े, इनको पूछ लेना, मैं बोलूंगा तो बड़ा मेरे मुंह में बड़ा बात हो जाएगा, अपने हाथ से किए, ये छोटे दिखाई दे रहे हो, अपने हाथ से कुआं खोदते हैं, खेती करते हैं, बचपन से उनको आदत डाल गया, बिना काम में रह नहीं सकते, उनको करना है। तो गांव में स्वास्थ्य केंद्र, गांव में उत्पाद केंद्र, और गांव में परमानेंट जो झंडा गाड़ेंगे उसमें क्या करना, और गांव का औषधि औषधि वाटिका, गांव में फल वाटिका, गांव में उसी एसएचजी ग्रुप के माध्यम से गांव पंचायत को बोलना नहीं है कि हम तुम्हारा जमीन ले रहे हैं, तुम्हारे गांव में तुम्हारा औषधि वाटिका, तुम्हारे फल वाटिका, तुम्हारे ग्राम में जंगल, ताकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे घर का दवाई मिल जाए, इतना कर दो। अगर सोचिए, जो बड़े बड़े नर्सिंग होम, नर्सिंग होम है ना, उनका जो स्टैटिस्टिक्स है, उनका जो इकोनॉमी है, 70% रोगियों को लेके, 30% जो बड़े बड़े रोगी देख के जो नाम कमाने के लिए, 30% रोगी हार्ट सर्जरी, गधा सर्जरी, घोड़ा सर्जरी, भेड़ कर दिए, बकरी कर दिए, वो नाम कमाने के लिए, उसमें पैसा नहीं मिलता है, पैसा कमाते हैं 70% रोगियों से। और ये 70% रोगियों को अगर गांव में रोक दें, पंचगव्य दवाई देके, योग प्राकृतिक चिकित्सा जड़ी बूटी से अगर 70% रोगी रोका जा सकता है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा सीरियस बीमारी नहीं है। जिस दिन 70% रोगियों को हमारा गुरुकुल, हमारा गांव रोक ले गांव में ही, तो ये बड़े बड़े उल्लूपैथी के जो दवाई खाने और मेडिसिन के जो बहुत बड़े बड़े कंपनी, एमआर,
करोड़ों का ट्रांजैक्शन चल रहा है, करोड़ क्या करोड़ है, अरब मतलब आप कह नहीं सकते इतना पैसा। मेडिसिन कंपनी वाले आपको बीमार बनाने के लिए कहते हैं कि आप मांस मछली अंडा खाओ तो उसमें ज्यादा पुष्टिकर है, हेल्थ है। सिंपल उत्तर देख लो, हाथी घोड़ा ये खाते क्या है, बैल मांस मछली अंडा खाते हैं। लेकिन आप सभी हो पहलवान, हाथी का ताकत देख लीजिए। कुत्ता शेर लोमड़ी क्या खाते हैं, मांस मछली अंडा, कितना बड़ा बॉडी रखी है। घोड़ा निरंतर दौड़ सकता है, बैल निरंतर काम कर सकता है, हाथी का स्पीड क्या जानते हो, एक घंटे में 78 किलोमीटर पर आवर, उसमें भी ऊपर लोड कर दो एक टन का माल तो लेके भाग जाए। बात कुत्ता लेके जा सकता है तो हेल्थ कहां है, प्रकृति में। तो ये जितने सारे आप समस्या खोल रहे हो राजनीतिक तौर पे, अगर अच्छा नेता कल हम नहीं दिए तो याद रखिए कल ऐसा ना होगी राष्ट्रीय अहिंसा मंच के एमपी एमएलए पार्लियामेंट में हिंसा करने लग जाए जूता चप्पल से, कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि जा कहां से रहे हैं, अब सोचिए मोदी कितना भी मोदी हो जाए पढ़ा कहां पर है, यही मैकोले वाली स्कूल से पढ़ के निकला है ना भाई, पढ़ा कहां से, एजुकेशन क्या है उसका मैकोले वाली, उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर नहीं लोड कर दिया गया है कि भाई गुरुकुल क्या है, गौ क्या है। अब सोचिए नेहरू को आंख में दिखाई नहीं दिया इस देश में क्या क्या है, वो बाहर में सब दिखाई दिया, लाओ बड़ा बड़ा फैक्ट्री और बनाओ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेचारे हालत यही है, फिर वही हाथ में गरीबी, फिर बेकारी, फिर बीमारी, फिर गद्दारी। तो गांव को जोड़ने का तरीका, गांव में उत्पाद, गांव में हॉस्पिटल, गांव में गुरुकुल, शिक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य संपत्ति। तो जो शिक्षा का बात है, अगर गांव में गुरुकुल खोल देते हैं, अभी देखिए आप कितना बढ़िया बोलते हैं गौ रक्षा कौन करेगा। अच्छा अभी कल एक तो फेसबुक में आ गया नहीं, 500 गाय उतार दिया ट्रक से, अभी परेशान है पुआल कहां से खिलाया, फिर उसको कोई दिमाग दिया कि किसानों को बांट दो। मैं पूछा एक बात बता, ये गाय आए कहां से, स्वर्ग से उतरे क्या, वही किसान तो बेचे हैं, फिर उनको बांट दो, मतलब क्या हो गया, वो करेगा क्या लेके, बेच देगा फिर, मतलब दोबारा मुनाफा उसका हो गया। बढ़िया, तुम गोरख क्या करके खींच के लाओ ट्रक से उतारो, उनको बांट दो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है पालने के लिए, और वो लोग फिर दोबारा लेके पहुंच जाएंगे। क्यों बेच पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका शिक्षा क्या देते हो, गधा बनाने वाला शिक्षा नहीं, बच्चे निकलते उधर से किताब देंगे और निकलते क्या है, गधे बन के नहीं, एजुकेटेड इडियट, जितने पढ़ा सकते बेड़ा, जितने पढ़वा सकते गुड़िया, उनके दिमाग में एजुकेशन में भरा क्या है, बच्चों के दिमाग में यह भर दिया जाता है कि पढ़ लिख लिया। और जानते हो गांव में सबसे बड़ा खतरा क्या है, बेटा अपने बाप को लात मारता है दौड़ा दौड़ के, मां का गले से मंगलसूत्र खींच लेता है, अभद्र भाषा में मतलब जो सुना नहीं जा सकता है कान में, अपने मां बाप को गाली देता है। और ये जो बच्चे अपने माओ को ओल्ड एज होम जानते हो वृद्धाश्रम में भेजते हैं, बेटा गया अमेरिका, बेटी है बैंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास, क्योंकि एक भेड़, भेड़ समझते हो, भेड़ समझते हो, बकरी, हाँ नहीं बकरी नहीं, भेड़ा भेड़ा बकरी, हाँ बस बस भेड़ा का ऐसा है ना, कोई बहुत सारे भेड़ आते हो बीच में डंडा दिखा दो तो एक अगला वाला भेड़ा कूदे और उसके बाद डंडा हटा दो, पीछे वाला भी कूदते जाएंगे, एक कूदा बैंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास अमेरिका जर्मन जापान, तो बाकी एजुकेटेड इडियट कूदा। क्या विवेकानंद बहुत अच्छा है लेकिन पड़ोसी का बच्चा होना चाहिए, मेरा बेटा तो नौकरी करने जाएगा, उसको तो काला अंग्रेज बनना है, महात्मा गांधी खुद बोल दिए थे ये देश को तो बचा दिया भाई ये गोरों से, लेकिन काले अंग्रेजों से कैसे बचाओगे। और वो किताब महात्मा गांधी का दबा दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व राजनीति को बड़ा गंदा शब्द में बोल रहे हैं, एक मुझे माफ करना वो शब्द नहीं कहूं, आज के जो हमारे गणतंत्र सिस्टम है वो क्या है, एक हाँ एक चलिए एक बेसिया है, और एक तो और क्या शब्द बता रहे हैं, तो इनसे कुछ होने वाला है नहीं, वो चाहे कोई भी आदमी आ जाए उसमें, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। तो आगे इसमें अगर कोई कर सकता है तभी संभव है जब ऐसे व्यक्तित्व उसमें आए जिनको भारत दिखाई दे, उनको तो इंडिया दिखाई दे रहा है, उनको तो इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, उनको तो पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, करेंगे क्या।
अब सोचिए कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या आपका दिमाग में जो है, अब सोचिए गुरुकुल में 1000 बच्चे खड़े होंगे, 1000 बच्चे अगर बन गए, आज हर बच्चे के पीछे एक गाय हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं, 1000 बच्चे का एक एक गाय अगर पाला जाए, एक बच्चा अगर एक गाय का दायित्व ले लिया और अपने रूम में एक गाय के साथ वो रहता है 1 क्लास से 10 क्लास तक, आज बच्चे रह रहे हैं, ऐसा मैं प्रवचन भाषण नहीं दे रहा हूं, हमारे पास गाय है, हमारे गुरुकुल में बच्चे गो आधारित जीवन व्यवस्था में है, हर दिन गोमूत्र पीते हैं, हालांकि दूध नहीं पीते अलग बात है, अगर हर बच्चा